फ्रेंड्स, तैयारी आज हम बात करने वाले हैं TGC टेक्निकली ग्रेजुएट कोर्स के बारे में, जिसका कि जो 132nd बैच है, यानी 132वां बैच है, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। इंडियन आर्मी ने नोटिफाई कर दिया है, तो उसके बारे में जानते हैं कि जो उसकी स्टार्टिंग डेट है वो ऑलरेडी जा चुकी है, यानी कि 28 जुलाई से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और जो उसकी लास्ट डेट है वो है 26 अगस्त, वो भी दिन के 12 बजे तक ही, यानी कि 1200 आवर्स, जो कि आर्मी का आपको स्टैंडर्ड टाइम पता है 1200 आवर्स, उस तक। ये बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। तो जो एज लिमिट है वो जैसी होनी चाहिए 20 से 27 साल, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिक डेट है वो 1 जनवरी 2021 तक इस डेट के बीच में होना चाहिए, यानी कि 20 से 27 साल का। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2001 के बीच में बॉर्न हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म स्पेशली उन लोगों के लिए है जो टेक्निकली ग्रेजुएट हैं, यानी कि इंजीनियर्स। आइए देखते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स कैसे क्या क्या हैं। तो जो ये हमारा 132nd कोर्स है जो स्टार्ट होगा जनवरी में, उसका बेसिकली जो सिविल ब्रांच है उसके 10 सीट्स हैं, आर्किटेक्चर जो है उसके लिए 1 है, मैकेनिकल के लिए जो है 3 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उसके लिए 4 है, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्फोटेक या MSc कंप्यूटर साइंस इसके लिए 9 सीट्स हैं। और वहीं जो आगे है कि जो से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब के लिए 6 सीट्स हैं। एरोनॉटिक्स यानी कि जो एरोनॉटिकल हैं या एवियोनिक्स हैं उनके लिए 2 सीट्स हैं, एरोस्पेस के लिए 1 सीट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए जैसा आप देख सकते हैं 1 सीट है, ऑटोमोबाइल के लिए भी 1 सीट है, लेज़र टेक्नोलॉजी उसके लिए भी 1 सीट है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी 1 सीट है। तो ये तो हो गए डिटेल्स की वैकेंसी में, यानी कि कितनी कितनी सीट्स हैं, किस किस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अवेलेबल हैं। अब आई की बात, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर लॉग इन करिए। वहाँ पर अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको लॉग इन करके कर सकते हैं, अगर नहीं बना हुआ है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी ही अप्लाई करिए, बहुत ही अच्छी एंट्री है और आपको ये